इस वक्त की बड़ी खबर बदायूं से आ रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिसौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर चंडीगढ़ से आ रही अवैध शराब को एसओजी बिसौली की टीम ने पकड़ लिया है और ये शराब बिहार के लिए जा रही थी। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ये शराब शराबबंदी प्रदेश बिहार के लिए जा रही थी, जिसको एसओजी टीम ने बिसौली पर पकड़ लिया है। पकड़ी गई शराब में 269 पेटी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग 22 लाख रुपए बताई जा रही है। शराब के साथ साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को उचित कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया। बदायूं से संवाददाता अजय पाल यादव की रिपोर्ट। मतलब सर, ये जो इसने जो इतना बड़ा कुंभ किया, ये शराब जो पकड़ी है कहाँ से आ रही थी? जनपद बदायूं में हमारी एसओजी टीम बिसौली एसटीआरए और अधिकारियों के नेतृत्व में पतारसी सुरागवसी करके एक अवैध शराब जो चंडीगढ़ से वैशाली बिहार के लिए सप्लाई होती थी, इसको पकड़ा है। इसमें दो लोग अरेस्ट हुए हैं और दो गाड़ियां, एक कैंटर और एक मारुति बरामद हुई है। इसमें 269 पेटी शराब, 2421 लीटर इंग्लिश शराब ये अवैध रूप से ले जाकर के बिहार सप्लाई की जा रही थी, जिसको ट्रैक करके हमारी एसओजी टीम और बिसौली और हमारे एसपीआर साहब के नेतृत्व में ये सारी टीम ने ये वर्क किया है। इसमें जो गिरफ्तार व्यक्ति है, एक बिहार का है, एक अलीगढ़ का है और एक इसके जो हरियाणा से एक अरोड़ा है, जिसको जिसने सप्लाई की थी, और दो लोग हैं, दो व्यक्ति हैं वैशाली बिहार के, जहां पे इसकी सप्लाई जानी थी। इस संदर्भ में वैशाली इसमें बिसौली में अभियोग पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और हमारी टीम ने अच्छा काम किया है। पूरी टीम को उत्साहवर्धन के लिए हमारी तरफ से 15,000 रुपये कैश रिवार्ड दिए जाएंगे।